आज की क्लास में पावर डायरेक्टर के अंदर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने फाइल का ये पूरा मेन्यू बार पढ़ लिया था, आज हम एडिट करेंगे। एडिटिंग में लास्ट टाइम भी ये भी एडिटिंग है। एडिटिंग में सबसे पहले एंडू है। एंडू ऑलरेडी आपको पता है कि हमने कोई चीज़ फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है ना, आप मैं कहता तो हूँ अंडू करना चाहता हूँ, एडिट में जाके मैं अंडू करूँगा वो बैक हो जाएगा। रीडू ये होता है कि आप अंडू को वापस लाते हैं, जो चीज़ आपने अंडू की है वो वापस। फिर उसके बाद कट होता है, कट ये कि ये चीज़ अभी मैंने लगाई है, यहाँ से मैंने कट की, अब कट करने के बाद मैंने कहीं और पेस्ट करनी है तो वो पेस्ट कर सकता हूँ, या ये सिलेक्ट करके मैं मतलब सिलेक्शन के बाद इसको मैं कॉपी कर लूँ और फिर उसे कहीं पेस्ट कर लूँ। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास रिमूव की ऑप्शन है। रिमूव में ये कि आपने ये चीज़ सेलेक्ट की, इसको आप रिमूव करना चाहते हैं, ये रिमूव कर दें। इसी तरह रिमूव एंड लीव गैप, वो भी आपके पास एक ऑप्शन आती है, जो कि फॉर एग्जांपल अभी हमने कोई और मैं पिक्चर वगैरह लगा देता हूँ तो ये मैंने की, और एडिटिंग में रिमूव एंड लीव गैप कर दूँ। और लीव गैप मतलब जो उसमें गैप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। इसे फेवरेट कर सकते हैं आप। मैजिक टूल्स, मैजिक टूल में सबसे पहले मैजिक म्यूजिक, मैजिक फिजर, ये मैजिक मिक्स, मोशन कार्ड स्टाइल, ये डिफरेंट चीज़ें हैं ना, ये सारी अप्लाई होती हैं। इसमें सबसे पहले मैजिक में हम मैजिक मिक्स मैजिक फिक्स देखते हैं ये क्या होता है। मैजिक फिक्स पे जब हम क्लिक करते हैं हमारे पास कुछ ऑप्शन आती हैं। एक ऑप्शन है लाइटिंग एडजस्टमेंट और रिमूव रेड आई और अप्लाई रेड आई रीफोकस, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास तीनों। लाइटिंग एडजस्टमेंट ये होती है ना कि आपकी जो आपका ऑब्जेक्ट है या पिक्चर है उस पर जो लाइटनिंग के इफेक्ट हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और दूसरा, अगर आप उनको दूसरी तरह आप खुद वो करना चाहते हैं, एक्सट्रीम बैक लाइट करना चाहते हैं, इसमें ये आप देखें तो आपकी पिक्चर के साथ साथ इफेक्ट भी चेंज होते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये सारा होता है इसमें लाइटिंग में। और इस पर रिमूव रेड आईज में ये है कि अगर आपकी आंखों में कोई पिक्चर है या वीडियो है तो उसमें कोई फ्लैश वगैरह का प्रॉब्लम है तो वो उस तरह आ जाए तो वो उसमें ये एरर दे देता है, ठीक है। इस तरह प्रोग्राम क्लोज हो गया। नेक्स्ट दोबारा हम ओपन करते हैं इसमें, हम नेक्स्ट देखेंगे रेड आईज कैसे रिमूव करते हैं। तो इस अगेन से मैं दोबारा से ये पिक्चर इंसर्ट करके आपको एडिट में मैजिक टूल के मिक्स मैजिक मिक्स फिक्स के बारे में बता रहा था। तो मैजिक फिक्स में हम रिमूव एड लाइन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये फ्लावर हैं तो वैसे वो जो हमारी होती है पिक्चर वगैरह तो उस पर ये चीज़ हट जाती है। और रीफोकस, अप्लाई रीफोकस ये है कि आप एक चीज़ को सिर्फ फोकस करते हो पिक्चर में, एक ख़ास पोजीशन दे देते हो कि जस्ट इसको ही फोकस किया जाए, इसको ही सारा सेट किया जाए तो वो उसको बाकी जो उसके इर्द गिर्द चीज़ होगी उसको इग्नोर कर देगा। मीन कि ये भी आपके जो होता है एक इफेक्ट होता है कि आप रीफोकस कर लें और यहाँ से एक्सट्रीम वगैरह की सेटिंग दें आप कर लें। एक ख़ास पोर्शन अप साइड पर यह धुंधला वगैरह या ख़ास पोर्शन जो आपका है वो वाज होता है, बाकी चेंज हो जाता है। इसी तरह आपके पास मैजिक मोशन है जो आप इफेक्ट दे सकते हो, इसमें ये डिफरेंट इफेक्ट आपको अभी नज़र आएंगे। इसमें हम एक देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये इफेक्ट में सेलेक्ट करता हूँ और इसे प्ले करता हूँ तो ये देखें आप कि पिक्चर उसी तरह अफेक्ट कर रही है। और ये भी डिफरेंट इफेक्ट है, वो डिपेंड करता है आपने कौन सा इफेक्ट इस पर अप्लाई करना है। इसी तरह एक इफेक्ट ये है, ये सिर्फ 3D मोड के लिए, तो आपने ये इसको 3D मोड का वो करना है तो तब ये होगा, ठीक है। ये यहाँ पे इसका प्रीव्यू बता रहे हैं तो ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो आपको साथ साथ अप्लाई करनी हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आपके पास नेक्स्ट है मैजिक कट,
वो भी इसी तरह है कि कोई इफेक्ट वगैरह आपने अप्लाई किया है तो वो उसको कट करके कहीं और पेस्ट करते हैं। अभी आई डू वो फंक्शन, तो ये मैजिक कट ही है कि वो स्टाइल को हम देंगे उसको कट करके अप्लाई कर सकते हैं। आल्ट थ्री इसकी शॉर्टकट है, मैजिक स्टाइल है। इसमें कहते हैं कि ये इफेक्ट ख़त्म हो जाएंगे और हम कहते हैं ठीक है ओके करते हैं। और ये डिफरेंट इफेक्ट इसमें से मैं कोई भी दे देता हूँ, ओरिजिनल ब्रॉडवे कोई भी है उसका प्रीव्यू आप देख लें। अब वही पिक्चर थी, वही बैकग्राउंड लगा और उस पे ये उसके मुताबिक वो फैक्ट चल रहा है। ये करेंगे तो ये इसका प्रीव्यू, फिर ये उसके मुताबिक इसका साउंड और सब कुछ लगेगा। इसमें नहीं था, ये ओरिजिनली थी तो ओरिजिनली इस तरह पिक्चर आई और उसका एंड हो गया। ये आपको डिपेंड करता है कौन सा आप इफेक्ट है। इसी तरह मैजिक में आपके पास म्यूजिक है, मैजिक म्यूजिक आपको मिलेगा। तो वो हमारे पास डिफरेंट, हम खुद से भी वो कर सकते हैं और यहाँ से भी। ये हमारे पास अभी म्यूजिक है, डिफरेंट म्यूजिक्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये 1000 माइल्स था, ये इस तरह डिफरेंट। तो ये म्यूजिक आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ में उस पर क्लिक कर दें आप व्यू देखना चाहें तो वो बैकग्राउंड ठीक है। तो ये म्यूजिक वगैरह आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह आपके पास मूवी विजेट भी है, तो उसमें आपके पास मीडिया लाइब्रेरी टाइमलाइन या इसमें से भी ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है। सोर्स देना होते हैं किस तरह की आप बनाते हैं। एक विजिट चलता है, विजिट में आप अपने मर्जी के मुताबिक फिर उसमें स्टाइल कौन सा अप्लाई करना है और एडजस्टमेंट कौन सी करनी है, वो सारी रेशोज वगैरह और उसकी बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह और ये प्रीव्यू हो के वो प्रोड्यूस भी हो जाती है। तो इस तरह से विजिट चला के आपने कोई वगैरह करनी है तो वो कर सकते हैं। हम कैंसिल करते हैं ठीक है, वो शुरू में हमारे पास ऑप्शन होती है अगर हम करना चाहें कर सकते हैं। फिर एडिट आइटम्स हैं, एडिट आइटम मीन के आपने जो भी आपके पास जो मीडिया है जो भी आपने चीज़ें की है वो उनको आप एडिट किस तरह कर सकते हैं ठीक है। अभी मैं सिंपल एक दो चीज़ें आपको एडिट करके बता दूँ कि एडिट का फंक्शन आप किस तरह यूज़ करेंगे। इसके अंदर एडिट में सबसे पहले एडिट आइटम में मॉडिफाई, मॉडिफाई में जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक विंडो ओपन होती है पिप डिज़ाइनर के नाम से। इसके अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अप्लाई क्रोम की है, इस पर हम जब क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ये क्रोम की इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं। इसमें आपने उस पिक्चर को उसके मुताबिक फिट करना होता है, जितने परसेंट जितनी रेशो के हिसाब से ये, और उसका कलर वगैरह की यहाँ सिलेक्शन होती है, यहाँ टॉलरेंस इंटेंसिटी वो आपको साथ प्रीव्यू बताएगा सारा। उस पर जो भी इफेक्ट आप अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं, ये सारा क्रोम की है और उसकी सेटिंग है। उसके बाद शेडो वगैरह आपने देना है, ये शेडो अप्लाई कर सकते हैं। शेडो की सेटिंग्स है डिस्टेंस वगैरह ब्लोर करना और इसी तरह उसको ट्रांसपेरेंसी और कलर को सिलेक्ट करना है, वो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी ये पिक्चर है इसके बैक पे, उसमें आपको शेडो वाजे नहीं हो रहा, ये शेडो की स्टाइल वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इस पर अप्लाई होती हैं। तो ये मैं करता हूँ। और बॉर्डर जब आप देंगे तो बॉर्डर भी आप दे सकते हैं पिक्चर के, उसको ब्लोर करना, उसकी वो सारी सेटिंग कलर वगैरह, ये सारी वही चेंजेस हैं इसके। पिक्चर की बात करें वो सारी इस पर इफेक्ट अप्लाई हो। ओनली शो द सिलेक्टेड ट्रैक ये भी कर सकते हैं आप, और इनेबल फ्लिप वो उसमें फ्लिप हो जाते हैं, राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप फ्लिप और एस्पेक्ट मेंटेन एस्पेक्ट रेशो, ये है उसका जो पिक्चर की रेजोल्यूशन साइज है वो मेंटेन होती है, क्योंकि वो साइज बड़ा कम होने से वो उस पर कोई इफेक्ट ना हो
और ये ऑलरेडी हमने डिफरेंट इफेक्ट पड़े हुए थे तो ये भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑलरेडी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई थी तो ये सारी एडिटिंग हम इसके अंदर करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एडिट आइटम में ट्रिम और मल्टी ट्रिम ड्यूरेशन ये कुछ चीज़ें हैं। ट्रिमिंग काटना इस तरह हो सकता है कि अगर आपने कोई म्यूज़िक वगैरह की फाइल लगाई है या कुछ इस तरह की लगाई है तो वो उसको आप काट सकते हैं। कोई वीडियो वगैरह है तो वो भी आप काट सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके पास। तो अभी हम ट्रिम करना सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टाइटल को ही हम इधर इंसर्ट करके चेक कर लेते हैं। ये हमने टाइटल सेलेक्ट किया, इन्हें लगाया और पीस पे ट्रिम के ऑप्शन हम देख लेते हैं। इस वीडियो को उठा लेते हैं हम। ये आ गया हमारे पास ट्रिम की ऑप्शन, ठीक है। अब हमने कहाँ से कहाँ तक ऑडियो को भी आप ट्रिम कर सकते हैं, कितना कहाँ से कहाँ तक कैसे काटना है तो वो हम काट सकते हैं। इस तरह हमने जहाँ से जहाँ तक ट्रिम करनी है उसका तरीकेकार ये होता है कि आप वीडियो को आप पहले प्ले कर लें, ठीक है, यहाँ से काटनी है ये सिलेक्ट कर लें, यहाँ से काटनी है आप जितना एरिया आपने काटना है वो, अब ये जो एरिया है ये आपकी वो ट्रिम हो गया, उतना ड्यूरेशन इस वीडियो का आ जाएगा जितना आप ये देखिए इतना ड्यूरेशन आ गया। तो इस तरह ट्रिम आप कर सकते हैं। और मल्टी ट्रिम ये होता है कि एक से ज़्यादा आपने करना। अब ये मैजिक कट भी है आपके पास अवेलेबल हो गया कि मैजिक कट आप इसको कट कर सकते हैं, ये डिफरेंट ड्यूरेशन उसका आ जाता है जो ऑलरेडी आपने ट्रिम की है उसको प्रीव्यू वगैरह देख के फिर रैंडम वो आप सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे उसका प्रीव्यू देखेंगे। और इसी तरह फिर आपके पास जो आ जाती है मल्टीपल ट्रिम तो वो एक से ज़्यादा ट्रिमिंग आपने करनी है तो ये इधर से काटें फिर इधर से काटें बार बार आप ट्रिमिंग इसकी कर सकते हैं ये मल्टी ट्रिमिंग। अब ये यहाँ से आप कहते हैं ये भी होती है और साथ में ये भी होती है फिर इसी तरह आप प्ले कर लेते हैं तो ये भी होती है और फिर ये भी होती है तो ये भी होगी। अब ये सब कुछ इस वीडियो में ऐड हो जाएगा आपका, एक से ज़्यादा कटिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये मल्टी कटिंग आप इसमें कर सकते हैं। तो इसी तरह फिर ड्यूरेशन स्लाइड वेव डिले ये कुछ चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है।